अंग्रेजन भाभी के साथ काली और गोरी नंद की होली। रीमा तुम आ गई, मैं बहुत देर से तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रही थी। क्या तुम मेरे साथ आज शॉपिंग पर चलोगी? किस लिए? मम्मी जी बोल रही थी कि एक महीने बाद होली है तो उसी की कुछ तैयारी करनी है। नो थैंक्स भाभी, रीमा तो छोटी है और उसे तो पता भी नहीं है कि होली पर क्या क्या तैयारी होती है। आप मेरे साथ चलना। तुम्हारे साथ? नो वे, इससे तो अच्छा है कि मैं अकेले ही चली जाऊं। सोफिया ऐसे बोलती हुई शीतल के पास से चली आई। शीतल का रंग काला था जिसकी वजह से सोफिया को वो जरा भी पसंद नहीं थी और यही वजह थी जो उसने उसके साथ शॉपिंग पर जाने को भी मना किया। उस वक्त घर में शीतल की माँ नहीं थी। कुछ देर के बाद शालिनी घर लौट आई। शीतल, ओ शीतल, अरे सोफिया कहाँ हो सारी की सारी? जी माँ। अरे माँ, ये आप इतने सारे पैकेट्स में क्या ला रही हैं? आइए आप यहाँ बैठिए। अरे मैं ठीक हूँ। रीमा और सोफिया घर में नहीं है क्या? हम यही हैं मम्मी जी। चलो अच्छा है। देखो मैं तुम लोगों के लिए ये होली के लिए कुछ गहने लाई हूँ, जो जिसको अच्छा लगे वो वही ले लो। शालिनी के लाए हुए गहने दोनों नंद और अंग्रेजन भाभी देखने लगी। माँ मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है। ये वाला? अरे ये वाला तो मैं बहू के लिए लाई थी। माँ लेकिन अभी तो आपने ही कहा था कि जिसे जो पसंद आए वो वही ले लो। हाँ कहा था, लेकिन ये वाला जरा बहू के रंग पे ज्यादा जचेगा। अच्छा, ये भाभी आखिर खुद को समझती क्या है? नहीं मम्मी जी, रहने दीजिए। रीमा जी को जो अच्छा लग रहा है वो उन्हें ही लेने दीजिए। नहीं भाभी, रख लीजिए। वो क्या है ना, मुझे किसी की भी चीज लेने की आदत नहीं है। रीमा ऐसे बोलते हुए चली गई। मम्मी जी लगता है रीमा को बुरा लग गया। अरे कोई नहीं, वो तो ऐसी है, बात बात पर मुंह बनाती है। तू चिंता मत कर बहू। शीतल तुझे तेरा वाला पसंद आया क्या? हाँ माँ, मेरा वाला बहुत सुंदर है, मुझसे तो कहीं ज्यादा सुंदर है। चल पागल, कैसी बातें करती है, तू बहुत ज्यादा सुंदर है ना सोफिया? हाँ हाँ बिल्कुल, जला हुआ भगोना। मम्मी जी मैं ना अपना स्किन केयर कर रही थी, मैं चलती हूँ। सोफिया अपने कमरे में चली गई और शीतल घर के कामों में लग गई। बेचारी शीतल को बस उसकी माँ ही प्यार करती थी, उसकी भाभी और बहन को तो वो जरा सी भी पसंद नहीं थी। एक तरफ घर में ये सब हो रहा था तो वहीं रीमा। अब क्या हुआ, तूने मुझे ऐसे क्यों बुलाया है? यार अंजलि, जानती है आज मेरी माँ ने मेरी गोरी भाभी से मुझे कंपेयर किया। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ या फिर मैं गोरी नहीं हूँ? कैसी बातें कर रही हो, तू तो बहुत सुंदर और गोरी है। जब से ये मेरी अंग्रेजन भाभी आई है ना, तब से घर में मेरी वैल्यू कम हो गई है। अब तो सभी बस मेरी भाभी की तारीफ करते हैं। आज माँ ने भी यही किया, जो ज्वेलरी मुझे पसंद आ रही थी वो मेरी भाभी को दिलवा दी और कहा कि वो उनके ऊपर ज्यादा जचेगी। तू पागल है, इतना क्यों सोच रही है तू? अपनी भाभी को तो मैं सबक जरूर सिखा कर रहूंगी, मैं उन्हें अपनी जगह कभी नहीं लेने दूंगी। रीमा अपनी भाभी को जरा सा भी पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और ऐसे ही एक दिन, रीमा जानती हो आज मेरे पास एकदम लेटेस्ट दही मूवी की दो टिकट्स हैं, तो मेरे साथ देखने चलोगी? नॉट इंटरेस्टेड। व्हाई? भाभी आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कैंपिंग पर जा रही हूँ। रीमा मैं हमेशा ही तुम्हें क्या क्या ऑफर करती रहती हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी एक भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करती हो। आपको समझ नहीं आया क्या भाभी, मैं आज बिजी हूँ। ऐसे बोलकर रीमा अपनी अंग्रेजन भाभी की साइड से निकल गई। रीमा अपनी अंग्रेजन भाभी के रंग रूप से जलती थी, जबकि सोफिया उसी को पसंद करती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। नाना जी देखिए, मैं आपकी होली के लिए कितनी सुंदर साड़ी लेकर आई हूँ। अच्छी है। क्या हुआ, आपको ज्यादा पसंद नहीं आई क्या? नहीं ठीक है, लेकिन भाभी अपनी अकल का थोड़ा सा तो इस्तेमाल करती। मैं एक लड़की हूँ, कोई शादीशुदा औरत तो नहीं जो होली पर साड़ी पहनूंगी। बट
साड़ी तो इंडियन कल्चर में ही आती है ना। काश कि आप अपने देश में ही शादी कर लेती तो आज आपको ये छोटी छोटी बातें समझानी ना पड़ती। मुझसे कोई गलती हुई क्या? कोई गलती नहीं हुई है भाभी, ये साड़ी बहुत सुंदर है। और रीमा, कौन कहता है कि साड़ी सिर्फ शादीशुदा औरतें ही पहनती हैं? तुमने भी तो अपनी 12th क्लास की फेयरवेल पार्टी में साड़ी ही पहनी थी ना। मुझसे बात मत कीजिए। भाभी, ये साड़ी अगर रीमा नहीं ले रही है तो इसे आप पहन लेना, वैसे भी इसका रंग वगैरह आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। शीतल ने ये बात अपनी भाभी को खुश करने के लिए बोली, लेकिन उसकी बात सुनकर रीमा चिढ़ गई और वो गुस्से में अपने कमरे में आ गई। मेरी इस अंग्रेजन भाभी ने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर दिया है। मैं क्या काली हूँ या फिर मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ? जब तक ये अंग्रेजन भाभी नहीं आई थी तब तक सभी मेरी कितनी तारीफ किया करते थे। और जरा आप देखो, मैं इस अंग्रेजन को नहीं छोड़ूंगी। अब मैं इससे होली के दिन ही बदला लूंगी। हाँ, अब मैं यही करूंगी। रीमा ने अपने मन ही मन में कोई शैतानी प्लान बना लिया था और अब होली आ चुकी थी। आज तो मैं अपनी गोरी ननद के साथ जी भर कर होली खेलूंगी। एक तरफ सोफिया ये सोच रही थी तो वहीं दूसरी तरफ, भाभी जी, आज आपका आखिरी दिन है इस सुंदर मुखड़े के साथ। उसके बाद तो आपके साथ वो होगा कि आप आईना देखना भी पसंद नहीं करोगी। ऐसे बोलकर रीमा ने रंग में एक बहुत ही खतरनाक केमिकल मिला दिया। अब ये रंग जैसे ही मैं आपके चेहरे पर लगाऊंगी, आपका चेहरा जलने लगेगा और इतना भद्दा हो जाएगा ना। अरे नहीं रीमा, तो मुझे भाभी को बचाना होगा। शीतल ने रीमा की सारी चालबाजी देख ली थी। वो जल्दी से इस चीज की खबर करने अपनी भाभी के पास भागती हुई गई। भाभी, ए, डोंट टच मी। खाली खलूटी, मुझे रंग लगाने की जरा भी कोशिश मत करना, समझी? तू रहो मुझसे, अपने खाले हाथों से मुझे मत छूना। मैं आपको रंग नहीं लगा रही हूँ भाभी, बल्कि मैं तो कुछ बताने आई थी आपको। भाभी चलिए साथ होली खेलते हैं। अरे रीमा, तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। लेट्स प्ले होली। ओके तो। रीमा ऐसे बोलकर अपनी भाभी के मुंह पर रंग की पूरी थाल ही पलटने वाली थी कि तभी बीच में शीतल आ गई और उसने पूरी थाल पर अपना हाथ मार दिया। ये क्या किया खाली कलूटी? भाभी ये रंग नहीं, ये आपके चेहरे के लिए तेजाब जैसा था, जरा देखिए। रंग जिस कालीन पर गिरा वो जल चुका था। ये सारा मंजर देख सोफिया हैरान रह गई। उनकी आवाजें सुनकर वहां शालिनी भी आ चुकी थी। ये सब क्या है? हे भगवान, कोई होली मत खेलना। माँ शांत हो जाइए, इस थाल में रीमा ने जानबूझकर एक खतरनाक केमिकल मिलाया था ताकि भाभी की सुंदर शक्ल जल जाए। What? लेकिन क्यों? पता नहीं, इसी से पूछ लीजिए। रीमा सर झुका एकदम शांत खड़ी हुई थी। शालिनी ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। तुझे मैंने यही संस्कार दिए थे, बोल। ननद जी, आपने इतनी बुरी साजिश क्यों रची? आज तूने मेरी नाक कटा दी, बोल क्यों किया तूने ऐसा। रीमा कुछ नहीं बोल पा रही थी। अपनी गोरी ननद की यह हरकत देखकर सोफिया को एहसास हो गया और उसने शीतल से माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए ननद जी, मैं बेवजह ही आपसे दुश्मनी मोल ले रही थी। मैं बहुत गलत थी, जिस ननद को मैंने अपनी समझा वही मेरी पराई निकली, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं भाभी, अब जो हुआ सो हुआ, आप माफी मत मांगिए। और जो कुछ भी हो, हम हैं तो परिवार ही ना, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। और तुम रीमा, मैं जानती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। देखो रीमा, तुम बहुत सुंदर हो, हम कभी तुम्हें भाभी से कंपेयर नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, कभी कभी भाभी को खुश करने के लिए उनकी तारीफ जरूर कर देते हैं। तुम उसे उल्टा मत लिया करो, तुम बहुत अच्छी हो, अपनों के बीच ऐसी साजिश नहीं करते हैं। चलो आओ, हम मिलकर होली खेलेंगे। आप कितने अच्छे हैं, मैंने इतना गलत किया तब भी आप मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे माफ कर दीजिए। माँ, दीदी, भाभी, आप सभी प्लीज। रीमा को भी अब सब कुछ समझ आ चुका था। इस घटना से शीतल को भी उसके घर में अब अपनी भाभी का प्यार मिल रहा था। पूरे परिवार ने एक साथ मिलकर होली खेली और खूब मस्ती की। अब कोई भेदभाव वाली बात नहीं थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।